नमस्कार, आप देख रहे हैं आर9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। समाजवादी पार्टी ने रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए अब आखिरकार अपना प्रत्याशी सामने ला दिया है। जी हां, कई दिनों से ये चर्चा थी कि रामपुर और आजमगढ़ में सपा क्यों और किसको अपना प्रत्याशी बनाकर आगे लाकर खड़ा करती है, लेकिन अब आज इस वक्त की ये बड़ी भी खबर है। जिस तरह से हम देखें कि रामपुर को लेकर कई समय से चर्चा रही है, कई नामों को लेकर चर्चा रही है, लेकिन अब खुद आजम खान ने इस बात की घोषणा की है कि अब रामपुर लोकसभा उपचुनाव में तंजीम फातिमा नहीं बल्कि आसिम रजा मैदान में उतरेंगे। जी हाँ, ये एक तरह से अगर देखें आसिम रजा एक चौंकाने वाला नाम इसलिए भी साबित हो जाता है क्योंकि रामपुर को लेकर शुरुआत से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आजम खान अपने किसी परिवार के सदस्य को टिकट दे सकते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले जब हमने अखिलेश यादव और आजम खान की वो मुलाकात देखी तो हालांकि चर्चा क्या हुई थी इस बात का जिक्र दोनों में से किसी ने नहीं किया, लेकिन इस बात को लेकर चर्चा जरूर थी कि लोकसभा उपचुनाव को लेकर दोनों के बीच चर्चा जरूर हुई है। और आज वो तस्वीरें जो हमारे सामने आई है कि आजम खान ने अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक करके ये एक बड़ा फैसला लिया और खुद ऐलान किया, और कहीं ना कहीं इसके पीछे की एक और तस्वीर जो साफ होती है कि आज भी आजम खान अपने पार्टी के प्रमुख बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये तस्वीर भी उन्होंने साफ करते हुए वो नजर आए हैं। और ऐसे में आसिम रजा पर दांव चला गया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अगर हम ऐलान करें तो बीजेपी ने रामपुर से घनश्याम लोधी को आगे किया है। जी हां, घनश्याम लोधी सीधा मुकाबला उनका आसिम रजा से होने वाला है। और आसिम रजा कौन है, वो समाजवादी पार्टी से जिस तरह से अगर देखें रामपुर के नगर अध्यक्ष हैं। और अब एक तरह से ये भी कहा जाता है कि आजम खान और आसिम रजा बहुत करीबी भी हैं एक दूसरे के, तो ऐसे में आजम खान ने जब खुद आसिम रजा का नाम आगे किया है तो अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार आजमगढ़ और रामपुर की ये जो लड़ाई है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कहां तक पहुंचती है। हालांकि बसपा का अगर जिक्र करें तो बसपा ने आजमगढ़ से अपना प्रत्याशी उतारा है, लेकिन रामपुर में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। कांग्रेस की तरफ से भी यही चीज है, कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी लोकसभा उपचुनाव में नहीं उतारा। तो ऐसे में साफ हो चुका है कि टक्कर सिर्फ और बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच की है। अब आजमगढ़ और रामपुर में आज नामांकन की आखिरी तारीख, और इस तारीख में आसिम रजा का नाम आगे आना और आजमगढ़ से जिस तरह से हम देखें लगातार तमाम चर्चाएं रही हैं घनश्याम लोधी और अब आसिम रजा की सीधा मुकाबला होने वाला है, यानी 23 जून का वो दिन जब मतदान और 26 जून का वो दिन जब इस मतदान को लेकर नतीजे हमारे और आपके सामने आ जाएंगे। जी हां, लगातार समाजवादी पार्टी और बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी रणनीतियां भी बना रही है। ऐसे में अखिलेश यादव और आजम खान के सदस्यता यानी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद ये दोनों सीटें खाली पड़ी थी और तमाम अटकलें भी थी कि इस बार आखिरकार डिंपल यादव को आगे किया जाएगा, डिंपल यादव नहीं तो रामपुर से अब रामपुर के किसी करीबी को टिकट दिया जाएगा, लेकिन इन सारे सवालों पर विराम खुद लगा दिया आजम खान ने। आज आजम खान ने ये खुद कहा है एक अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस तरह से उनकी तरफ से ऐलान किया गया कि आखिरकार वो तंजीम फातिमा नहीं, सिद्रा खान नहीं बल्कि आसिम रजा को आगे कर रहे हैं, यानी अब सीधा मुकाबला आसिम रजा का होगा घनश्याम लोधी के साथ। और अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले समय में यानी 23 जून को कौन किस पर भारी पड़ता है। जी हाँ, रामपुर और आजमगढ़ की ये लड़ाई आखिरकार कहाँ तक पहुँचती है और बीजेपी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई कहाँ तक पहुँचती है और इस लड़ाई का नतीजा क्या लोकसभा चुनाव पर पड़ता है, ये देखना भी काफी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन आज की ये बड़ी हेडलाइन भी बनी हुई है, एक चौंकाने वाला नाम सामने आया है आसिम रजा का, जिसका नाम आजम खान ने खुद अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद खुद ऐलान किया कि रामपुर से तंजीम फातिमा नहीं बल्कि आसिम रजा चुनाव लड़ने वाले हैं। कोशिश की है और दुआ करिए ये सर मालिक के सिवा कहीं ना झुके और इसके झुकने की नौबत आए तो ये सर धर्म करता रहे। हमारे एक बहुत अजीज साथी, लंबा सियासी तजुर्बा और इखलास से भरपूर शख्सियत का नाम है आसिम रजा।
समाज सेवा